दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में ऑब्जेक्ट और व्यू दोनों एनिमेशन और कलर कोड के माध्यम से कैसे दिखते हैं, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे। दोस्तों, आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा। इसमें हम आपके लिए छोटे छोटे जो हिंट्स होते हैं ड्राइंग निकालते वक्त जो काम में आते हैं, वो पूरे के पूरे बताएंगे और आपको अच्छे मार्क मिलेंगे। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो लेके आते हैं। दोस्तों, नए नए वीडियो के लिए जो नोटिफिकेशन मिलती है आपको, तो उसके लिए आप बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले के व्यू के बारे में जानकारी लेते हैं। यह है हमारा पहला जो ऑब्जेक्ट है। आज की ड्राइंग में हम दो ऑब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे, जिससे आप उसको सेंटर में कैसा निकालें, अच्छा क्लीन और नीट कैसे निकालें, प्रोजेक्शन लाइन क्या होती है, डायमेंशन लाइन क्या होती है, ऑब्जेक्ट लाइन क्या होती है, इसके बारे में भी हम पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, यह हमारा ऑब्जेक्ट है। इसको हम कलर डालने के बाद कैसा दिखता है, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, हम ने इसमें फ्रंट व्यू में पिंक कलर डाला है, साइड व्यू में हमने स्काई ब्लू कलर डाला है और टॉप व्यू में हमने येलो कलर डाला है। और जो टेपर पोर्शन है, जो ऊपर से दो व्यू से दिखता है लगभग टेपर पोर्शन, उसको हमने ग्रीन कलर दिया है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की पूरी लंबाई जो है 75 mm है और हाइट जो है इसकी 20 20+5, इस हिसाब से 45 mm है और विड्थ जो है 55 mm है, 55 mm। तो इसके आपको डायमेंशन मिल गए होंगे। दोस्तों, आपको ये एरो दिखाया गया है, तो फ्रंट व्यू आपको इस साइड से निकालना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम दूसरे शीट पे देखते हैं। दूसरे शीट में आपने एक्सेस लाइन डाल ली, दोनों एक्स और वाई लाइन। तो इसमें आपको यह करना है कि इसको सेंटर में कैसा लाए। सेंटर में लाने के लिए आपको सबसे पहले जो साइड व्यू होती है उसकी लंबाई, फ्रंट व्यू की लंबाई और टॉप व्यू की ऊंचाई, ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जैसे हमने ये आउटर लाइन खींचे है, तो आपको इस आउटर लाइन का जो मेजरमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा मेजर करना होगा और लिखना होगा। इसमें से आप हॉरिजॉन्टल लाइन में फ्रंट व्यू की लंबाई और साइड व्यू की लंबाई दोनों आती है, दोनों को मिलाना होगा। और साथ साथ ये जो है यहाँ से हम निकालते हैं, ये इस लाइन से हमें 20 mm लेना होगा, मतलब 40 mm। इसको मिला के आपको ये जो पूरी लंबाई है इसमें से घटा देना चाहिए, और घटाने के बाद 2 से डिवाइड करो। और जो आते हैं तो सबसे पहले वो यहाँ से पॉइंट ले लो, घटाने के बाद डिवाइड करने के बाद जो आते हैं बची हुई वैल्यू होती है उसको यहाँ से ले लो पहला पॉइंट। उसके बाद साइड व्यू की लंबाई यहाँ तक आएगी, बाद में 20 का पॉइंट, बाद में 20 का पॉइंट, उसके बाद फ्रंट व्यू की लंबाई। इस तरह से आपको जितनी जगह इस साइड बची है उतनी जगह इस साइड बचेगी। वैसे ही आपको फ्रंट व्यू में टॉप व्यू के लिए करना है, वर्टिकल पोजिशन के लिए करना है। वर्टिकल पोजिशन में टॉप व्यू की हाइट और फ्रंट व्यू की हाइट, ये दोनों बातें ध्यान में रखना पड़ता है। इसमें भी आपको जो बॉर्डर है वह इस बॉर्डर से लेकर या इस बॉर्डर तक आपको जितना भी डिस्टेंस है, अंतर है, वो लिख के रखना है। उसके बाद आपको टॉप व्यू की ऊंचाई, फ्रंट व्यू की ऊंचाई प्लस 20 20 mm ये लेना है। उसको मिला के इस पूरी ऊंचाई में से घटाना है, घटाने के बाद 2 से डिवाइड करना है। और जो वैल्यू आएगी वो सबसे पहले यहाँ पॉइंट लेने का, फिर टॉप व्यू की ऊंचाई, फिर 20 mm, फिर 20 mm, और उसके बाद फ्रंट व्यू की ऊंचाई। इस तरह से आपका पूरा ड्राइंग जो स्केच है वो बिल्कुल यहाँ सेंटर में बैठेगा। इससे क्या होगा कि आपको बहुत ही अच्छा आपका स्केच दिखेगा और उसको मार्क मिलने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि क्लीन एंड नीट दिखने के बाद कोई भी जो जांचने वाला, पेपर जांचने वाला कर्मचारी होता है, वो आपके क्लीननेस पे ही ज़्यादा मार्क देगा। तो दोस्तों, ये जो हमने खींचा है इसमें हमारे पूरे बॉक्स बने, इस बॉक्स के बाहर आपका कोई एक भी एक ऑपरेशन बाहर नहीं जाएगा। इस तरह से हम आप देखते हैं इसको फ्रंट व्यू में कैसा दिखता है। सबसे पहले टॉप व्यू, टॉप व्यू में आपका ऑब्जेक्ट इस तरह से दिखेगा।
बिल्कुल ऊपर आएगा थर्ड एंगल पोजीशन में, और ठीक उसके नीचे फ्रंट व्यू आएगा, और उसके बाद में बगल में साइड व्यू आएगा, इस तरह से आ जाएंगे। दोस्तों आपको जो ऑब्जेक्ट लाइन दिया है वो 0.5 mm की थिकनेस की होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन लाइन और डायमेंशन लाइन 0.3 mm के, और जो एक्स और वाई एक्सिस होते हैं वो 1 mm की थिकनेस के आने चाहिए। आपको इस तरह से डायमेंशन देना है, और डायमेंशन देते वक्त ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका 5 से 8 mm होना चाहिए। अगर हम एक ड्राइंग में 8 mm रखते हैं तो पूरे ड्राइंग में 8 mm रखना चाहिए। और जो एरो का रेशियो होता है वो 1 से 3 होता है, मतलब 1 mm उसकी हाइट होती है और 3 mm लंबाई होती है। आपके पूरे ड्राइंग में एक जैसे एरो आना चाहिए। और ये जो व्यू लिखना होता है ये आप 3 mm के लेटर में लिखो, इस तरह से आपका व्यू रहेगा। इसको अब हम इस तरह से देखते हैं, ये देखिए आपके कलर के हिसाब से आ गए, इधर पिंक कलर जो है वो फ्रंट व्यू में आ गया, येलो कलर टॉप व्यू, और स्काई ब्लू ब्लू जो कलर है वो आपका साइड व्यू में आ गया, और जो ग्रीन पोर्शन है वो आपका टेपर पोर्शन है जो दो व्यू में दिखता है, यहाँ भी दिखेगा और साइड व्यू में दिखेगा। दोस्तों अब हम इसको एनिमेशन थ्रू द्वारा देखते हैं, आपको लाइव एनिमेशन के द्वारा। ये देखिए हमारा टॉप व्यू में पोजीशन इस तरह से आएगा, इसको घुमाया तो बाद में फ्रंट व्यू में घुमाया तो इस तरफ से आएगा, और ये साइड व्यू में आपको इस तरह से दिखेगा। तो दोस्तों आपको इस तरह से ये ड्राइंग निकलनी है साफ सुथरी एंड क्लीन एंड नीट। उसके बाद इसमें थर्ड एंगल का सिंबल जो डालना होता है वो पूरा डालिएगा, उसके बाद आर डायमेंशन आर इन mm लिखना बहुत जरूरी है, उसके बाद स्केल भी लिखना जरूरी है, आप जिस स्केल में निकलते हो, हाफ स्केल में निकलते हो या फुल स्केल में। अभी हमने फुल स्केल में निकाला है इसीलिए फुल स्केल का ही लिखा है इसमें। अब हम दूसरे ऑब्जेक्ट की ओर चलते हैं, तो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट इस तरह का है, ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसको भी हम थर्ड एंगल पोजीशन में ही व्यू निकालेंगे। इसमें भी हमने कलर दिया है, फ्रंट व्यू में हमने ग्रीन कलर दिया है, जो फ्रंट व्यू से पूरा जो पोर्शन दिखता है उसको ग्रीन कलर, साइड व्यू से हमने स्काई ब्लू कलर, और टॉप व्यू से हमने येलो कलर दिया है। इस जब की कुल लंबा है 80 mm, विड्थ है 50 mm, और हाइट है 60 mm, और हमें लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेफ्ट हैंड से ही निकलना है, थर्ड एंगल में लेफ्ट हैंड व्यू से निकलना है, तो इस तरह से आएगा। तो दोस्तों इसके लिए हम अब कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखिए हमारी ये साइड व्यू की लंबाई, फ्रंट व्यू की लंबाई, फ्रंट व्यू की हाइट और टॉप व्यू की हाइट, इस तरह से आएगा। ड्राइंग में एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, फ्रंट व्यू की लंबाई होती है वो टॉप व्यू की लंबाई होती है, जो साइड व्यू की लंबाई होती है वो टॉप व्यू की हाइट होती है, और साइड व्यू की हाइट जो होती है वो फ्रंट व्यू की हाइट होती है। इस तरह से इसमें कंफ्यूजन मत होगा, ये मतलब फिक्स है। इसको आपको सेंटर में लाने के लिए यहाँ से यहाँ तक आपको लंबाई लेना पड़ेगा, बाद में साइड व्यू की लंबाई, फ्रंट व्यू की लंबाई, और उसमें ये 20 और 20 40 मिलाना होगा, और कुल लंबाई में से आपको ये जो 1 2 3 4 चारों की जो आपने जमा किया है उसमें से घटाना पड़ेगा। घटाने के बाद उसको 2 से डिवाइड करो और बाद में पॉइंट मार्क करो, इस लाइन से पहला पॉइंट, फिर साइड व्यू की लंबाई, फिर 20 20, और बाद में फ्रंट व्यू की लंबाई, जो बचा हुआ है वो बिल्कुल आपका इधर आ जाएगा। वैसे ही वर्टिकल पोजिशन में आपको करना है, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक मतलब मेजरमेंट करना है, जो भी मेजरमेंट है वो लिख के रखना है। उसके बाद टॉप व्यू की ऊंचाई प्लीज, फिर 20 mm, फिर 20 mm, फिर फ्रंट व्यू की ऊंचाई, तो ये मिला के आपको उसमें से घटाना है, पूरे इसमें से, इसमें से घटाने के बाद 2 से डिवाइड कीजिएगा, तो आपको इतने पहला जो पॉइंट आएगा वो यहाँ आएगा, फिर टॉप व्यू की ऊंचाई, फिर 20 mm, फिर 20 mm, फिर फ्रंट व्यू की ऊंचाई, बाद में जो बचा है वो आएगा। इस तरह से आपका ये करना है। इसके बाद इसके व्यू देखते हैं कैसे दिखेंगे। सबसे पहले इसका टॉप व्यू आपको ये इस तरह से दिखेगा। उसके बाद आता है फ्रंट व्यू, हमने कल अलग कलर दिया था उसको, और उसके बाद साइड व्यू, इस तरह से आपके ऑब्जेक्ट दिखेगा, या ऑब्जेक्ट इस तरह से आपको दिखेगा पूरा। तो इसमें आपको जो मेजरमेंट बताया है, जैसे ये हमने इधर ज़्यादा रखा है इस ड्राइंग के हिसाब से, क्योंकि एनिमेशन थ्रू आई है, तो इसमें ज़्यादा रखा है, ये गलत है। यहाँ से लेकर यहाँ तक खाली 3 mm के ऊपर नहीं रखना चाहिए, ये मिटा देना चाहिए।
जितने भी है ये सब मिटा देना चाहिए, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इधर भी है, ये सब मिटा देना चाहिए। इस तरह से आपको रखना है, ये जो रखे है इस तरह से आपको रखना है। और ये जो डिस्टेंस है 5 से 8 मिलीमीटर, यहाँ भी अगर 8 लेते हो तो यहाँ भी 8 लेना चाहिए। इस तरह से आपको साफ सुथरी ड्राइंग निकलना है। और एक्स वाई एक्सिस जो होता है वो आपको 1 mm थिकनेस से निकलना है, ऑब्जेक्ट लाइन हमेशा 0.5 mm थिकनेस में निकलना है, कंट्रक्शन लाइन और डायमेंशन लाइन हमेशा 0.3 mm से हल्के हाथ से निकालना चाहिए, उसमें प्रेशर करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से दिखेगा आपको। फिर आपको इसको एनिमेशन थ्रू हम दिखाते हैं, ये हमारा एनिमेशन के द्वारा इसका फ्रंट व्यू कैसे दिखेगा, टॉप व्यू कैसे दिखेगा। टॉप व्यू ये देखिएगा, टॉप व्यू इस तरह से देखिएगा, बाद में फ्रंट व्यू और ये साइड व्यू, इस तरह से आपको व्यू दिखेंगे। मतलब देखने में आसानी हो जाएगी आपको समझने में। दोस्तों अभी तो आप ये 2 व्यू समझ गए होंगे, आगे और हम आपके लिए और हर दिन ऐसे ही वीडियो लेके आएंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेगा। थैंक यू।